सामने और डबल टच हुआ अंकुर प्रवेश परमजीत बलारा तीन कैचर भाव अकबरपुर के चौथा कैचर जाओ चला बोला कनौरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी कनौरी गांव के अकेली ऐसी टीम रे जो डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करती थी और हरियाणा प्रदेश के किसी जिले को भी टक्कर देती थी उसी गांव का खिलाड़ी भोला कनौरी और बड़े अमन को फंस चुका है कैची लग चुकी है गरीब बन चुकी है स्कोर हो गया 2-0 ड्योरा के पक्ष में लेकिन बहुत बड़ा मैच है जो पूरे 24 मिनट अच्छा खेलेगा वही जीत पाएगा बेस्ट खिलाड़ियों को 42 इंची एलईडी दी जाएंगी फिर पॉलिसी समझा देता हूं बेस्ट कैचर जो निकलेगा उसकी टच काउंट नहीं होंगे मात्र कैच काउंट होगी किसने कितनी लगाई और रेड पॉइंट भी जो सबसे ज्यादा लेगा वही रेडर बेस्ट कहलाएगा और करमजीत भोरिया घनघस परिवार का छोरा निकलने में कामयाब हुआ प्रेम से खेल लो भाई चल भाई फौजी के नाम बता जितेंद्र उर्फ मोहला फौजी बहु अकबरपुर 900 रहेगा तो 500 रुपए से मान सम्मान करेंगे जो फिलहाल लीड करा दोस्तों चुपचाप खिलाड़ी और एक नहीं दो हैं जो चुपचाप खेलते हैं ये वही खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बल्ला बोलता था इसलिए दुनिया का भगवान कहलाया क्रिकेट का भगवान कहलाया और चाहे मोहित डीक की बात करो चाहे फौजी बहु की बात करो साइलेंट किलर इन खिलाड़ियों को कहा जाता चिरा रवि दौरे वाला लेफ्ट कॉर्नर को टच करने का प्रयास लेकिन अभी तक टच नहीं है परमजीत बलारा देखते हैं अपनी प्लान में क्या किसको फंसाता है और सोनू राजपुरा बहन भी अच्छी तालमेल के साथ अपनी कबड्डी का नजारा ये प्रवेश बलारा ने टच कर लिया है प्रवेश एंड रवि लेकिन रवि रवि है आप सभी जानते इस खिलाड़ी की क्वालिटी क्या है चलेगा भोला कनौरी वाला देखते वापसी कर पाएगा या नहीं क्योंकि पहले रेड पर कैच खा गया था वापसी का मतलब पॉइंट लेके आएगा या फिर कैच खा जाएगा आने वाले 30 सेकंड में पता चल जाएगा और बड़े अमन ने लगातार दो कैच भोला कनौरी को लगा दी है दोस्तों चलेगा बुरिया सीसर तहसील नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद का खिलाड़ी जिला कैथल के दौरे गांव का बेटा सदस्य बनके आज इस खिलाड़ी ने अपना मैच खेला और सोनू ने कैच लगाई पहली कैच सोनू की बुरिया सीसर को एक तरफ दो कैच एक तरफ एक कैच मैच कड़ा है चलेगा अमित फौजी प्यार का नाम फौजी है अमित कुमार हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा खिलाड़ी संजय गुलिया जट खेड़ी ने रीड्स गाड़ी से मान सम्मान दिया जगदीश दादा सहजला बेवानी का भी कुछ इशारा आया है और इशारे का मतलब है किसी न किसी खिलाड़ी पे पक्का पैसे लगा दिए होंगे मैं इनको बखूबी जानता हूँ जहां जिस खेल मेले में जाते हैं खिलाड़ियों को बिल्कुल सम्मानित करके आते हैं जगदीश पंडित जी सहजला भिवानी से हैं हमारे मित्र भुरिया शिशिर को जो कैच लगाएगा 200 रुपए पाएगा नोट करो भाई और ये चला सचिन कुमार बलारा बाल संबंध हिसार जिले के बाल संबंध गांव का बेस्ट रेडर बाइक विजेता खिलाड़ी 2020 अब देखते करता क्या बड़ा अमन एंड सचिन बलारा और बड़े अमन ने आज मेरे को लगता है जजर गुरुकुल के गुरुकुल का चमन प्रास खाया है जो आता उसी को कैच कर लेता है अगर यहाँ कैच हुई तो फिर तीन कैच बड़े अमन के पक्ष में हो जाएंगी रवि दोरा का भाई है अमन वो कुछ अनफिट चला हुआ है भगवान से दुआ करते हैं बहुत जल्दी खिलाड़ी फिट हो और अपना जलवा दिखाए और उधर भी कैच हो गई है अंकुर बलारा के पक्ष में जगदीश दादाजी अंकुश बलारा ने आपके 200 रुपए प्राप्त कर लिए हैं बुरिया शीशर को कैच हो गई है चलेगा अमित फौजी टोटल 24 का जब स्कोर होगा आप टेम हो जाएगा और फिर टोटल 48 के बाद फाइनल मुकाबला समाप्त हो जाएगा आज की जो स्वर्ग के दीपक धामण की याद में सोकी की याद में मोनू की याद में यह टूर्नामेंट चला हुआ युवा साथियों के द्वारा उसका बेस्ट रेडर कौन होगा बेस्ट कैचर कौन होगा आज के टूर्नामेंट का चैंपियन कौन होगा उप विजेता टीम कौन सी होगी ये मात्र आध घंटे में आपको पता चल जाएगा
चला रवि दौरे वाला, सीधा सीधा टच करने की कोशिश और किसी की तरफ इशारा किया है, पॉइंट भी मिलेगा। ज़्यादा झूठ बोलने की इतना आदत ना है। जितेंद्र उरम बोला, अगर रवि दोहरा नोट सौ पड़ेगा तो 500 रुपए से मान सम्मान उनका भी होगा। नोट करो जी, जोरा सरपंच भी 500 रुपए से किसका, रवि दोहरा का नोट सौ प्रहा तो ठीक है। और सचिन बलारो को स्कोर मिला, हमारे ऑफिशियल फूल सिंह तमर, विनोद खत्री चीफ रेफरी का कार्य, सोम महान खिलाड़ी, नरेश मलिक अंतरराष्ट्रीय कोच, उसके साथ साथ अनिल कुमार जी धनाना 2020 और 21 के बेस्ट ऑफिशियल, जिनका 13 तारीख को लाडुआ जिला हिसार में स्पेशल मान सम्मान किया जाएगा, और मास्टर सुरेंद्र कलोई, ये हमारे ऑफिस सीटिंग कर रहे हैं फिलहाल। और जो सुबह से एक पॉइंट की भी त्रुटि नहीं की, उस भाई का नाम है अमरजीत गिल गांव खरेटी, जो स्कोरर का काम करे और उटर की सेवा दे रहे दोस्तों, जेलदार गोरखपुर और कमेंटेटरी, यानी ये कह लो जो फाइनल मुकाबला चला वो बार है सुरेश दलाल पर। अमित फौजी को शायद अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मोहित डीग ने शानदार प्रयास किया है अपनी तरफ से, और कैच होगी तो बता दी जाएगी, बिल्कुल कैच हो गई है, बिल्कुल कैच हो गई है। भाई रेता लगता है फर्स्ट में, उसके बाद जो खेल की बात है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, फर्स्ट में चिकना है तो रेता लगाओ, बीच में फिर पसीना आ सकता है और पसीने का फायदा कोई भी खिलाड़ी उठाने का हकदार हो जाता है। रवि दोहरा, परमजीत बलारा, लेकिन आराम से, क्योंकि ये कबड्डी का शेर नहीं बबर शेर है, जो पॉइंट लेकर के वापस आ गया है। सचिन बलारा अगेन, तीन रेडर यूज किए गए हैं, सचिन, अमित फौजी और भोला कनौरी, जबकि बुरिया आशीष और रवि दोहरा, दोहरा ने अभी तक अपने दो रेडर यूज किए हैं। और रवि दोहरा में जो कैच लगाएगा 500 रुपए, रवि दोहरा पे जो कैच लगाएगा 500 रुपए देंगे जगदीश पंडित जी सहजल भवानी, और 200 रुपए से हमारा मान सम्मान किया है, दादा को नमस्कार करते। सचिन को पोला ने कैच कर लिया, जो इसी सीजन का लगातार दो टूर्नामेंट का बेस्ट कैचर, दोनों बार बाइक विजेता बना जिला करनाल में, आज देखते कौन बेस्ट कैचर होगा। और बिल्कुल प्यार से मैच चलता हुआ, सारी खेल कमेटी की प्लान, पवन कुमार जी मलिक की प्लान, बहुत लंबे लंबे मैच के साथ, शायद किसी खिलाड़ी के साथ धोखा ना हो, किसी टीम को धोखा ना हो, उसी प्रकार से टूर्नामेंट कराएगा। खिलाड़ियों का गांव रहा भाई, बार बार करे चाहे मास्टर आजाद धामण की बात करे, चाहे नाना की बात करे, चाहे बबलू की बात करे, या फिर जिनकी याद में टूर्नामेंट किया जा रहा है उनको कौन नहीं जानता दोस्तों। सुनियो, नाना चेयरमैन लाडोत की तरफ से भाई, जो रवि दोहरा को कैच लगाएगा 100, 200, 500, 1000, 1500, 1800 नहीं, पूरे 2000 रुपए मिलेंगे, ताली मारो भाई। और फिर 500 लगा दिए जगदीश दादा ने, 2500, और शायद किसी एक और भाई ने भी, जितेंद्र ने पैसे लगाए 500, यानी जो कैच मारेगा 3000 रुपए की कैच होगी भाई, ठीक है दादा, क्लियर कर दिया। रेडर के वह बताऊंगे जो देने वाले, हम अपील कर सकते हैं, क्योंकि जितेंद्र ने और जगदीश दादा ने, जितेंद्र ने तो मान सम्मान में लगा दे, जगदीश दादा ने और चेयरमैन साहब ने तो कैच पे पैसे लगाए, और शानदार ट्राई अंकुर एंड बुरिया शिशर वाला, दो नए खिलाड़ी हैं, हम उम्र है, ताकत है, जवानी है, खेल अच्छा दिखाते हैं, ये तो खेल है भाई, ये गाड़ी के दो पहिए, हार और जीत ये तो चलता ही रहता है, लेकिन ऑफ सीजन से पहले अगर ये कह दिया जाए तो ये एक टूर्नामेंट को छोड़कर अंतिम टूर्नामेंट है, तो कोई बुराई नहीं होगी। 13 तारीख का टूर्नामेंट लाडवा जिला हिसार में पक्का है, 16 तारीख का सुनने हमारा टूर्नामेंट होगा, नहीं तो अंतिम टूर्नामेंट होगा ऑफ सीजन से पहले। हाफ टाइम एक बार स्कोर की जानकारी प्राप्त करते हैं।
15 डोरा 9 अमित फौजी बहु अकबरपुर, 24 का स्कोर हो गया, 15 और 9 24, 24 पॉइंट का मैच और होगा। मैच शुरू कराओ जी। जोरा सरपंच गांव धामड़, अगर रेवी दौरा 900 रहता है तो 500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है? ओके चलेगा। अमित फौजी सेकंड हाफ फर्स्ट रेड टू अमित फौजी बहु अकबरपुर, दूसरे आपकी पहली रेड अमित फौजी के बाटे में आई है। पहला आप दौरा ने अच्छा खेला है, दूसरा आप कौन सा अच्छा खेलेगा वही टीम जीत जाएगी, यही एक तरीका होता है। आप पहला आप अच्छा खेलें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेकंड आप तो अच्छा ही खेलना पड़ता है, तब जाके आप इस जीत नसीब में हो जाएगी। पोला पोला एंड फौजी, आओ पोला तैयारी में है, अमित फौजी चोट में है, इसी का कारण है, नहीं तो अमित फौजी को इस प्रकार से कभी कैच नहीं हुई। ये चोट का और तैयारी के थोड़ा सा अंतर होता है और वही अंतर साफ तौर पे दिखाई दिया। हाँ प्रवेश बलारा ने 3000 कैच लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल, पॉइंट मिलेगा रवि दौरा जिला कैथलगो गुला चीका के पास गांव पड़ता, पंजाब बॉर्डर के पास ये गांव पड़ता है। चाहे बलबेड़ा की बात करे, चाहे दौरा की बात करे, चाहे हरिगढ़ किन्नड़ की बात करे, वो इलाका लबालब सर्कल कबड्डी के खिलाड़ियों से भरा रहता है। दोस्तों सचिन बलारा अगेन एक बार फिर एड पर, सचिन बलारा सीधा सीधा डबल टच, पॉइंट मिलेगा रेडर को। मोहित डीग अगर फौजी की कैच लगाएगा तो जगदीश दादा सहजला भिवानी की तरफ से 500 रुपए होंगे, स्पेशल पैसे लगाए हैं। और जगदीश पंडित जी ने कैचर और रेडर को चुना है, अगर वो आपस में ऐसा हो जाए तो फिर 500 रुपए यानी अमित फौजी को मोहित डीग ने कैच करना होगा, फिर गांधी वाला 500 का नोट मिलेगा जगदीश पंडित जी सह की तरफ से। बौला कनौरी बड़े अमन को टच करता हुआ, पॉइंट मिलेगा 100% मिलेगा। चलेगा रवि दौरे वाला और अनिल कुमार जी हरियाणा पुलिस की तरफ से अपनी अच्छी टीम लेके पहुंची, पहलवान जी का स्वागत करता हूँ। हाँ रवि, सूर्य का नाम, भगवान का नाम और महान खिलाड़ी का नाम रवि, और शायद कोई खिलाड़ी आउट हुआ इसलिए पहले विसल हो जाएगी, ये खेल का नियम है। आज के टूर्नामेंट बाबा भोलादास जी के चरणों में अर्पित, आप सभी ने शांति से खेल मेला देखा, अच्छा हुआ, बीच में बड़े कांटे के मुकाबले हुए, फाइनल भी कोई मैड़ा मैच नहीं, अच्छा ही मैच चला हुआ है। एक दो कैच अगर बहू के पक्ष में हो जाएंगे तो मैच फंस भी सकता है, इसलिए अच्छे मैच करवाने के लिए गुरुजी का बार बार धन्यवाद करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, नमन करते हैं। चलेगा भूरिया सीसर वाला, तहसील नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद का खिलाड़ी, घन गश परिवार का छोरा, बड़ी बहुत ही बेहतरीन ट्राई करता हुआ, 3 कैचर बहु अकबरपुर के, चौथा सोनू राजपुरा बैंड, प्रवेश बलारा। प्रवेश बलारा को टच हुआ, बुरिया सीसर सफल हुआ, आएगा भोला रे भोला कनौरी वाला, भोला भोला कनौरी वाला, कितना शांत स्वभाव का खिलाड़ी, सुडौल शरीर, ठीक ठीक हाइट, ठीक ठीक वजन, और पोला 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 जो कि फास्ट कैचर माना जाता है, पोला वेट कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो चपटू कैचर कहलाते हैं, और वही तरीका आप देख रहे हो, अगर हाइट ज्यादा हो वजन ज्यादा हो तो फिर इस प्रकार की फाइट अक्सर नहीं हुआ करती है खेल मैदान पर।
हल्के खिलाड़ी इस प्रकार से कर सकते हैं। मेरी लेग मैच में हरियाणा प्रदेश में सबसे कम उम्र का कैचर हुआ है धर्मवीर मेंडागड़े वाला, बहुत ही कम वजन का कैचर था और हमारे जमाने में सबसे कम उम्र का अच्छा रेड हुआ बबरू बार, और उसके बाद जो पिछला 5-7 साल पहले जमाने का उसमें सबसे कम उम्र का अच्छा रेड हरियाणा प्रदेश में अगर कोई हुआ है तो वो है नवीन हुडा गांव दामड़ दोस्तों, चलेगा सचिन बलारा अगेन, और यहाँ पर पोला पोला एंड सचिन पॉइंट मिला बहुआ वाले को। नाना चेयरमैन 2000 रुपए देंगे अगर अमित फौजी अब नॉन स्टॉप रहेगा तो, क्लियर है भाई? हाँ जी सुनियो भाई, नाना चेयरमैन लाडोत कैचर कैचर पे मेरे भाई ने दाव खेला है, जो कैच मारेगा सीधे 5100 रुपए होंगे, ताड़ी मारो, ये क्लियर। जो रवि दोरा को कैच मारेगा, पहले 2000 थे, ये 5 कह दिया, 100 का नोट मैंने बता दिया, 5100 रुपए होंगे रवि दोरा को जो कैच मारेगा ना कोई ऐसा नहीं कर सकते आप, ना कभी किया। हाँ ये आ गई भाई 5100 रुपए की कैच, लगभग 6000 की मानो लगी तो, नहीं तो खेल प्रमोटरों की जेब भरी रहेगी। और सोनू का प्रयास अच्छा था लेकिन असफल प्रयास चलता हुआ आएगा सचिन कुमार बलारा, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, कबड्डी का सचिन सचिन बलारा बहु अकबरपुर, बाल संबंध की धरती का एम्बेसडर बाइक विजेता खिलाड़ी फिलहाल एड करता हुआ सामने, आप सभी जानते 3 बड़ा अमन छोटा अमन पोला और चौथा कैचर मोहिडीक अमन सॉरी पोला के द्वारा एक और कैच, सबसे ज्यादा कैच लगाएगा टच काउंट नहीं होंगे बेस्ट कैचर, और जो सबसे ज्यादा रेड पॉइंट लेगा बेस्ट रेडर, जो कि मैं देख रहा हूं अभी तक रवि देवरा नॉन स्टॉप चला हुआ है, बाकी सभी रेडरों को मेरे हिसाब से शायद कैच हो चुकी है। हाँ कैचर कैचर पर दाव है, जो रवि दोरा को कैच लगाएगा अब सीधे हो गए 7100 रुपए। नाना चेयरमैन लाडोत की तरफ से फिर सुन लो भाई 7100 7100, लेकिन यहाँ पर उसे पहले बड़ा अमन का फंस चुका है बोला कनौरी वाला, और यहाँ एक और कैच लगाई है अमन के द्वारा, मैच समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। और भाई 1000 और बढ़ गए, रवि दोरा को जो कैच लगाएगा 8100 रुपए होंगे, 8100 8100 8100 से मतलब 1000 के भी फाइट नहीं हुई भाई। नाना चेयरमैन लाडोत जो भावी जिला परिषद के कैंडिडेट होंगे जो हमें सुनने को मिला है 8100 रुपए लगा दिए हैं, लेकिन कोई कैच मारने वाला तो खिलाड़ी बने तभी आप ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। पोला पोला एंड सचिन गजब की लड़ाई, और अब लड़ाई समाप्त हो जाएगी। और सुनियो भाई हर रेड पर पैसे बढ़ रहे हैं, रवि दोरा को जो कैच लगाएगा नाना भावी पार्षद गांव लाडोत जिसमें नाना चेयरमैन के नाम से जाने जाते सीधे 11000 रुपए होंगे, बहुत बड़ा भाव बढ़ा दिया भाई नाना चेयरमैन आपने, लेकिन ऐसा शेर पैदा करना होगा अभी अभी जो उसको कैच लगाए तभी आपको संतुष्टि मिल सकती है, आप अपने पूरे कर सकते। रेडर रेड करे रेड करो भाई रेड करो, अभी स्कोर की एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते किसका कितना स्कोर है 28-16, दो दो रेड बाकी, ठीक बताया आपने 28-16। मैच कमेटी जो कह रही है बिल्कुल पूरा किया जाएगा, अब हो गए 16 से बढ़ के 17। हाँ प्यार से भाई प्यार से ले भाई 11000 की रेड है, अगली रेड रवि की बातें नहीं आएगी, यानी रवि की अंतिम रेड है,
या नोट सौ पर तो फिर बेस्ट रेडर भी निकल जाएगा। बिल्कुल नोट सौ पर भाई, आज की टूर्नामेंट का बेस्ट रेडर रवि देओरा, कैचर का लेखा जोखा बाकी है और एक एक रेड बाकी है। ठीक है जी, एक एक रेड बाकी है, पूरी करो। रवि के तो होली मैंने बता दिया, रवि का तो कोई चक्कर ही नहीं रहा। हाँ, और मैच समाप्त हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है।